ब्रह्मांड गाता हूँ। यहाँ कुछ लोग आए थे हमारा ख्याल गाने के बाद कुछ गजल गाते हैं, वो अंदाज भी इसमें मांड में देखिए कितना अच्छा है। और सारा हमारा जो फिल्म संगीत बोलिए गीत गजल सारे हमारे ठुमरी से उत्पन्न हुआ है। और ये पहला जो इसका रूप दिया है आज की गजल के जो रूप है उस्ताद बरकत अली खान साहब का इजाज है। तो ये आप यंग जनरेशन के लोग उनका नाम भूल गए, उनका रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं मिलता है। मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा बरकत अली खान साहब को रिकॉर्डिंग लेके आऊँगा आपको सुनाने के लिए। बरकत अली खान साहब और बड़े गुलाम अली खान साहब की कुछ खास रिकॉर्डिंग इस जनरेशन के लोगों को सुनाना चाहिए, तब पता चलेगा इंडियन म्यूज़िक क्या है। आज लोग जिस समय हम अपना वेद लिख रहे हैं 3,500 साल पहले, तब भारत के बाहर दूसरे देश के जो लोग हैं वो कच्चा मटन खाते थे। उस समय से हमारा जो कल्चर वो बढ़ने लगे, तो हमारा संस्कार किसी दूसरे देश से मिला मत दीजिएगा, हमारा बहुत पुराना संस्कार है। और वो तो हम तो उस संस्कार के नौकर हैं और हम सभी इसको दिल में रख कर चलना चाहिए कि हमारा देश अभी भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, उसमें जो भी कुछ करना है करना चाहिए। कहा मान ले, मांड 24 प्रकार है, ये मुझे बहुत सालों से सुनने को मिला कि 24 प्रकार मांड है। मगर मैं राजस्थान में करीब सभी कलाकारों को पूछा, शोभा जी को, फिर सुल्तान खान साहब को, फिर सभी को मैं पूछा कि 24 प्रकार मांड कहाँ मिलता है। पूरी राजस्थान में मैंने ढूंढा मगर कहीं नहीं मिला। तो फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। करीब 11 साल के बाद पिछले साल में राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी में 24 प्रकार मांड का जो पूरा स्वर का आने जाने का है मैं रिकॉर्ड करके दे के आया हूँ। क्योंकि वो बस मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, केवल सोचा कि कैसे 24 प्रकार हो सकता है। मुझे पूरा 24 के 24 प्रकार मिला, वो संगीत नाटक अकेडमी में रिकॉर्डेड है जो मैंने उनको सुनाया। और पुराने बुढ़े लोग थे, उनको मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि ये मैं गलत हूँ या हमें सही सुधार दीजिए, बल्कि ये सारा सही है क्योंकि ये सब मुझे सुनने को मिला। जैसे कि गा मा द ब म ग रे प ग रे सा गा ब द सा नि ब रे सा द ग प रे, ये मांड का रूप है। अब गा मा द द ने सा रे नि सा सा द म प ग सा गा मा द नि सा द म प ग याद प्या की आए, ये भी मांड की एक प्रकार है। अब इसमें तीव्र मध्यम देखिए, कहा मान ले पपियरारे, इसमें कोमल ऋषभ भी है। इसका जो फेमस भजन है जो सत्यजीत रॉय ने भी इस्तेमाल किया सुनार केल्ला फिल्म में, मन लागो मेरो यार फकीरे में, ये भी मांड की प्रकार है कोमल ऋषभ से। और हमारे कई राग इस मांड से उत्पन्न हुआ है। मैं कभी उस पर रोशनी डालने का जितना मुझे आता है कोशिश करूंगा। अब मांड गाता हूँ।
गुलामाली भाई का एक फेमस कॉम्पोजिशन है, वो मेरे सामने उन्होंने कॉम्पोज किए थे। अपनी तस्वीर को कैसे उन्होंने मिक्स किया था देखिए, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या अपनी तस्वीर को अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नजर तरफ भी तेरा जाता क्या है। ये भी मांड से आया हुआ है। Thank you.
रपैया रे ओ पपैया रे। क्या बात है, कितना अच्छा ठेका दे रहा है। देखिए कहाँ मान ले पपैया रे मान ले, कहाँ मान ले। सारे गा धने दगा। अब जो बंगाली लिसनर्स है उनको ये इमीडिएटली गाना याद आएगा, सारे गा धने दगा निसा 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 दा दा नी, निसा 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 दा दा नी, नी नी रे नी दा मामा नी दा मा गा गा दा मरे पागर रे दा, सारे गा दा दा नी दा गा सा। संध्या मुखर्जी का गाना है। माया बोती में घेलो तंद्रा, मैं हट जा रहा हूं। कहाँ मान ले नाले पिया का नाम, कहाँ मान ले पपैया रे कर जवान
प्रणाम प्रणाम प्रणाम।